मुस्तफ़ा अली ने करा है ड्रू मैकइंटायर को चैलेंज, क्या थी रॉक की इस हफ्ते के व्यूअरशिप और क्या कहा है रोमन रेंस ने रूसेफ के ऊपर, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जैसा कि आपने मंडे नाइट रॉ में देखा होगा, हमें मुस्तफ़ा अली का रिटर्न देखने को मिला था और उन्होंने आते ही से डिकल एलेक्जेंडर और रिकोशेट के साथ टीम अप करके बॉबी लैशली और एमवीपी की टीम को हरा दिया था, जिसके बाद हमें मुस्तफ़ा अली का इंटरव्यू देखने को मिला था और उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि एक बार जब उनको मौका मिला था तो मुस्तफ़ा अली उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाए थे, पर अब इस बार जब उनको दोबारा मौका मिला है तो अपना बेस्ट देंगे और साबित कर देंगे कि वो बेस्ट रेसलर है। दोस्तों उनके रिटर्न के बाद हमें WWE की तरफ से उनके ट्विटर अकाउंट पे एक ट्वीट देखने को मिला था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि आप क्या चाहते हैं ड्रू मैकइंटायर को कौन सा सुपरस्टार समर स्लैम के लिए चैलेंज करे, जिसके जवाब में मुस्तफ़ा अली ने लिखा था कि ड्रू मैकइंटायर सेकंड चांस में बिलीव करते हैं और मैंने अपना पहला चांस गवा दिया था पर मैं अपना सेकेंड चांस लेके रहूँगा। दोस्तों इसके जवाब में ड्रू मैकइंटायर ने लिखा था क्रीम ऑलवेज राइजेस ब्रदर। वैसे दोस्तों अगर WWE मुस्तफ़ा अली को पुश देने का या फिर उनको टाइटल मैच में डालने का सोच रही है तो ये चीज़ हमें समर स्लैम के बाद ही देखने को मिल सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि WWE समर स्लैम के लिए क्या प्लान कर रही है अपने पिछले वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैंने लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मंडे नाइट रॉक के रेटिंग्स के बारे में। तो दोस्तों पिछले हफ्ते के मुकाबले इस बार मंडे नाइट रॉक की रेटिंग्स बढ़ी है। पिछले हफ्ते की व्यूअरशिप थी 1.504 मिलियन, वही इस बार की व्यूअरशिप है 1.6328 मिलियन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट थिंग के बारे में, जो कि जुड़ी है रूसेफ और रोमन रेंस से। तो दोस्तों रोमन रेंस ने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पे एक फोटो डाला था जिसमें उन्होंने अपनी बॉडी को दिखाया था, जिसके बाद रूसेफ ने उनका कॉपी करते हुए अपने इंस्टाग्राम पे एक फोटो डाली और जिसके बाद हमें रोमन रेंस का इस पर कमेंट देखने को मिला। उन्होंने बताया कि उनकी केमिस्ट्री कितनी अच्छी होती थी रूसेफ के साथ और उनके कई बेहतरीन भी मैच हुए थे रूसेफ के साथ और उन्होंने लास्ट में लिखा कि वो कितना मिस कर रहे हैं रूसेफ को। दोस्तों जैसा कि आपको याद होगा रूसेफ को WWE ने कुछ दिन पहले निकाल दिया था, जिसके बाद रेसलिंग फैन को काफ़ी शॉक लगा था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले अपडेट्स के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।